श्री राम। नीलाराम, कहा भेल राम? भगवन, गुरुदेव वशिष्ठ हमनी के शिक्षा देले बाड़े कि बाण कबो व्यर्थ ना जाए के चाही। धनुष पे चढ़ल बाण से लक्ष्य भेदन अवश्य होके के चाही। उनकर गुरुपदेश ध्यान में रख के आज तक ये दशरथ पुत्र राम सदा ही लक्ष्य भेदन कैले बा। अब रउआ बताई, हम केकरा अपन लक्ष्य बनाई? राउर गति के अथवा राउर अलौकिक तप समर्थ से प्राप्त दिव्य लोक के? हे रघुनंदन राम, हम जौन पृथ्वी के बार बार जीतले रही ओकरा के हम ऋषि कश्यप के दान में दे देनी। तऊ हमरा से कहले रहन कि हे भृग श्रेष्ठ, रउआ रात के समय धरती पे निवास मत कैल करी, ना तो कोनो क्षत्रिय चैन से सुत ना पाई। बस राम, ओही क्षण से हम धरती पे रात के समय निवास ना करी ले, महेंद्र पर्वत पे चल जाई ले। हे राम, तू ये दिव्य वाण से हमार प्राप्त कई लोक के हमरा से छीन ला। ये वाण व्यर्थ ना जाई, एकरा बाद हम मन के गति से महेंद्र पर्वत चल जाई। हम धन्य भैनी राम। जय श्री राम। हमरो मन कितना विचित्र बा महाराज, जब स्वयंवर सभा में केहू भी शिव धनुष उठावे में असमर्थ रहे, तब मन में बार बार ही विचार आवत रहे कि कहीं हमनी की सीता कुमारता न रह जाई। ये सोच के मन व्याकुल हो उठत रहे। और अब हमनी के दूत सुदामन जी का अयोध्या पहुँचते, अयोध्या नरेश बारात लेके मिथिला आ जाइये और हमनी के सीता के अपना साथी ले जाइये। ये सोच के मन फिर से व्याकुल हो उठा था। ना युवराज, हम भरत के तुहरा साथी नहीं की भेज सकत। कदाचित रहुआ बुला रहल बानी महाराज, युधाचित भरत के मामा हवे और भरत के आपन नाना की यहाँ नैनियाल ले जाए खातिर आयल बाड़े। राम और लक्ष्मण तो पहले ही है भवन में नहीं खान। यदि भरत युद्धजीत के साथे गए
तो शत्रु बीन करा साथे अवश्य जाय चाहिए। फिर ये भवन बिल्कुल सून हो जाए ना। कह कही ना, हम अपन बच्चा सबके बिना नहीं रह सकत। यहाँ वा पुत्र, कहल जाला कि मनुष्य के पांच प्राण होखेला। हमरा खातिर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और केके ही तू तो हमार पांच प्राण हो। महाराज आवा सुमित्रा। महाराज, मिथिला नरेश महाराज जनक के दूत रउआ से मिले आइल बा। महाराज जनक के दूत? हाँ महाराज, मिथिला के दूत बहुते शुभ संदेश लेके आइल बा। ऐसन का शुभ संदेश बा महारानी सुमित्रा, जिकरा कारण रहुआ इतना प्रसन्न दिखाई दे रहल बानी। बात ही ऐसन बा महाराज, रहुआ सुनब तो रहुओ प्रसन्नता से खिल उठब। तो शीघ्र बतावा सुमित्रा, वो शुभ संदेश का बा? महाराज, हमनी के पुत्र राम और जनक कन्या सीता के विवाह तय हो गइल बा। सच में? हमार राम की विवाह? हाँ कैकई, हम दीदी के ही शुभ संदेश देके आवतानी। पागल है महारानी कैकई, आयु में बड़ हो गई बाड़ी, बाकी बुद्धि छोट रह गई बा। ऐसे खुश हो रहल बाड़ी जैसे भरत के विवाह हो रहल बा। अरे तू सब यहाँ का कर रहल बाड़ू? अब तक ते राजभवन की फूल से पताका से सजल होकल चाहत रहे। जा, पूरा राजभवन के फूल से सजा द, चारों तरफ दीप जलवा द, जा मंगल गीत गावे के आदेश दे द, जा पूरा अयोध्या नगरी के सजवा द, पूरा अयोध्या नगरी के सजवा द। मिथिला से जोन दूत आयल बा अवश्य कोनो शुभ संदेश ले आयल बा, जे महारानी के कई इतना खुश बाड़ी। कौशल्य नंदन राम के विवाह जनक नंदिनी से हो गया। सुदामन जी, यह समाचार से खाली हमीना पूरा अयोध्या प्रसन्न भइल बा। अब रउआ हमरा के महाराज जनक के शुभ संदेश सुनाई। जी महाराज, श्री अयोध्या नरेश के जनक के प्रणाम। स्वयं ऋषि विश्वामित्र के आज्ञा से अब हम रउआ से प्रार्थना करतानी की विवाह समारोह खातिर हुआ अपन गुरु, पुरोहित, मंत्री, सेवक संबंधी सभी के साथ मिथिला में पधार के हमनी के अनुग्रहित करी। राउर दर्शनाभिलाषी जनक। गुरुदेव, रउआ निर्णय ली है, जैसन रउआ कहब हम वैसने करब। राजन, विवाह केवल लड़का लड़की के ना हो खेला, दो गो परिवार के हो खेला, और इस संबंध बहुत शुभ बा। राजन, जेकर चारों पुत्र नम्र होखे, धर्म पालक होखे और श्रेष्ठ चरित्र होखे, ओकरा पास सुख संपत्ति बिना बुलैले ऐसे चल आवेला जैसे नदी बिना बुलैले समुद्र के पास चल जाला। अतः राजन, रउआ संकोच त्याग दी, बहू के घर में आवे के अर्थ बा सुख समृद्धि के घर में आवल। बहू के स्वागत करे खातिर बारात सजाई महाराज। जवन आज्ञा गुरुदेव। दीदी, आज तो हम बहुत खुश बानी, हम बहुत खुश बानी दीदी, हम बहुत खुश बानी। का बात बा के कही, बतावा तो सही। दीदी, दीदी हमनी के राम के विवाह तय भइल बा, मिथिला के राजकुमारी जानकी के साथे। तू सच कहत रुका? हाँ दीदी।
हमनी के राम के विवाह होखी। और आप हमार राम के विवाह तय हो गई बा। हमार राम के विवाह होखी। हाँ दीदी, हमनी के राम के विवाह होखी। यही से नगरवासी इतना खुशी मना रहल बाड़े। ईश्वर बड़ा कृपालु बाड़े के कही। ईश्वर बड़ा कृपालु बाड़े, वो हमनी के बेटा देले बाड़े, और अब बहू के रूप में हमनी के बेटी दे रहल बाड़े। हमरा के संभाला के कही। हम खुशी के मारे हम। अरे दीदी, अरे सुना सुना समाचारी बाकी मिथिला नरेश के मंत्री दूत बन के और ढेर सारा नजराना लेके अयोध्या गए बारे। परंतु अभी परंतु काहे खातिर? परंतु हम रघुनंदन राम के तापन दूत भेजत अभी तक ना देखनी। रघुनंदन काहे खातिर अपन दूत भेजिए? ए खातिर काहे कि उनका से सीता के वरे सहन नहीं के हो रहल। फिर हम सोचनी कि उनका दूध भेजे के का आवश्यकता बा। उनकर तरकस में कई गो दूध बाड़े। तरकस में से एगो बाण निकल ले, ओकरा में चिट्ठी बंध ले और धनुष से बाण छोड़ दे ले। बाण अयोध्या में और चिट्ठी अयोध्या नरेश के हाथ में। पिताजी रउआ बारात लेके शीघ्र चलाई। हम शिव धनुष भंग कईनी, वृक्षेष्ठ परशुराम जी के क्रोध के शांत कईनी। परंतु हम स्वयं शांत बानी, काहे कि मैथिली सीते हमरा सामने होके भी हमरा से बहुत दूर बाड़ी। सीता, हमने के तहर बहुत याद आई। याद? तहरा सीता की याद काहे आई? तू तो अयोध्या जाइबू। हम कैसे जा सकता नहीं अयोध्या? छोटका रघुनंदन से विवाह करके। कैसे बोलत रहन स्वयंवर में राम भैया के छुटका भाई? महाराज जनक राउर प्राण यहाँ और हमार प्राण वहाँ बा। उर्मिला, यदि तू हमरा साथ अयोध्या चलबू तो हमरा बहुत संतोष होखी। फिर हमरा ऐसन कभी ना लागी कि हम नैयर छोड़ के ससुरा लागल बानी। तू कहबू तो हम तहार और सौमित्र लक्ष्मण जी के विवाह के बाद माँ और पिताजी से करब। राम और सीता के विवाह के लेके पूरा मिथिला नगरी कितना प्रसन्न बा। स्वामी, सीता जोन सूचित कैलस ओकरा पर विचार कहीं नहीं रहुआ। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण और उर्मिला के जोड़ी बहुत अच्छा लागी महाराज। सीता के साथ साथ यदि उर्मिला के भी विवाह तय हो जाई तो हमनी के प्रसन्नता दुगनी हो जाई। हमो यह चाहतने सुनैना, परंतु सब कुछ नीति के अनुसार होखी, मर्यादा के पालन करे के होखी। ओकरा खातिर महाराज दशरथ के मिथिला आवे तक प्रतीक्षा करे के होखी। Thank you.
भैया मिथिला नरेश के दूत अयोध्या पहुंच गए हो कि ना? अब तक तर और विवाह के खबर पूरा अयोध्या में फैल गए हो कि कितना खुश होइए हमनी के माता लोग और पिताजी। पिताजी तो शीघ्र अतिशीघ्र बारात लेके मिथिला आ जाइए। हम यह चाहता नहीं लक्ष्मण, उनकरा आवते ही विवाह शुरू और संपन्न। तू विवाह के सोचा तारा लक्ष्मण? लेकिन हमार आंख था पिताश्री और माता लोक के दर्शन खातिर तरस रहल बा। जब हमने गुरुश्रेष्ठ के साथे अयोध्या से निकलल रानी, तब पिताश्री और माता लोग कितना व्याकुल रानी। लक्ष्मण, जब हमनी के माता लोग ममता से हमनी के सिर पे हाथ फेरे ली, तो हमनी के पूरा थकान मिट जाला। और जब हमने अपन पिताश्री के चरण छुए ली, तो ईश्वर के चरण के सत्कार हो खेला। चला लक्ष्मण, गुरुश्रेष्ठ हमनी के प्रतीक्षा करत हुई है। तू ना मन नहीं खेला ना? हाँ। कैसन कैसन बात करी लू। हम जानत रही और मिला राम भैया अपन छोड़ भाई के साथ इस समय पुष्प वाटिका में आवेले। इसे हम जीत करके तरह के अपना साथ ले आई। प्रणाम रघुनाथ। चलिए चलिए भैया, देर हो रहा। छोटका रघुनंदन के अचानक का हो गई। जय श्री राम।